यही है वो, यही है वो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बंटी। बड़को नमस्ते छोटो को, हेलो। तो आज मैं कोलकाता मेट्रो गली जा रहा हूँ। तो क्यों जा रहा हूँ ये आप लोग देखिए और मेरे साथ चलिए। मैंने अपना हेलमेट में जो ऑडियो सेटअप किया था, मतलब मैंने माइक जो लगाया था वो सही से नहीं लगाया था मैंने, जिस कारण वो बहुत लूज़ हो जा रहा है, कभी कभी खुल जा रहा है, कभी कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, तो जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अभी उसको सेटअप कराने ले जाएंगे मेट्रो गली में। अभी मैं थोड़ा देर बाद जाऊँगा क्योंकि अभी मुझे गराज जाना है, गराज में पापा के साथ थोड़ा मीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। हम लोगों का फोर व्हीलर का गराज है, मतलब हम लोगों का पास फोर व्हीलर का मैकेनिकल काम होता है। तो ये रहा हम लोग का गराज और ये पापा बैठे हैं। बोलो तुम्हार की वक्तव्य আছে। আমার বক্তব্য আমি দেশে যাব, এখন ঠান্ডা কাল। হ্যাঁ, আরে কেনা কি চাইতে হো? কা গ্যারেজ মে ये एक मुर्गा और वो एक मुर्गी, ये दोनों रहते हैं। उन लोगों के लिए अभी घर बन रहा है और मैं अभी जाऊंगा कोलकाता। गैराज में काम हो रहा है और पापा नहीं जा रहे तो मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मुझे माइक सेटअप के बारे में उतना आइडिया नहीं है और ना पहले था, तो मैंने YouTube देख के कोशिश किया था कि मैं कर सकूं, तो नहीं कर पाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने में क्या जाता है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि यार कितना व्यूज़ आया, कितना व्यूज़ आया, तो देखता हूँ कि मेरा 24 आवर्स में करीबन 50 व्यूज़ आए हैं, 60 व्यूज़ आए हैं, तो अच्छा लगता है कि चलो यार कोई तो देख रहा है मेरा वीडियो। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस में इतना कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे प्यार करते रहिए, और क्या चाहिए मेरे को। मैं बहुत देर से मार्केट में घूम रहा हूँ लेकिन मुझे कोई भी दुकानदार नहीं बोले कि हाँ होगा होगा। मैंने करीबन 20 से 30 दुकान घूम लिया, भैया होगा, भैया होगा, मुझे ऐसा माइक सेटअप करना है, बोले नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं करीबन आधे घंटे से यहाँ मेट्रो मार्केट में घूम रहा हूँ और जितना भी दुकान में जा रहा हूँ सब लोग ना बोलते रहे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लास्ट में मुझे ये कैमरा लाइफ जो दुकान है यहाँ पे भैया बोले कि हम लोग कर देंगे। घर जाने का टाइम में जो रास्ता में विंड साउंड आएगा, अब उससे पता चलेगा कि भैया ने कैसे किया है और अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी मुझे अपना बाइक लेना है और ये रहे। पता नहीं माइक सेटअप कैसा हुआ है, अभी तो गाड़ी चलाने का टाइम पे पता चल ही जाएगा। पता नहीं मेरा साउंड कैसा आ रहा है, आई होप अच्छा ही आ रहा होगा। पूरे मार्केट में उनका अकेला का वो दुकान है जहाँ पे माइक सेटअप होता है हेलमेट में। यही है वो, यही है वो जिन्होंने मुझे मेट्रो गली का एड्रेस दिया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया पूरा सेटअप, हो गया एकदम कम्प्लीटली। तो अभी गैरेज जाते हैं और देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। वो रहे पापा। तो गैरेज क्लोजिंग करके अभी घर जा रहे हैं और मैंने साउंड सुना अच्छा ही है। मैं एक बात बताना भूल गया, आप लोगों को यहाँ पे कैमरा भी मिल जाएगा, न्यू और सेकेंड हैंड दोनों ही। तो आप लोगों को जैसा कैमरा पसंद आएगा आप लोग ले सकते हो और यहाँ पे बहुत ही चीपेस्ट रेट पे कैमरा मिलता है। तो आप लोगों का अगर कोई कैमरा ख़राब हो गया हो, तो अगर कोई कैमरा का लेंस काम नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पे हर तरह का कैमरा का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। सो आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।